हेलो एवरीवन दिस इज अमृतपाल सिंह वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अपाचे हडूप मैप प्रोड्यूस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्राइवर क्लास क्या चीज़ है राइट इन द प्रीवियस टू वीडियोस मैंने डिस्कस करा है कि मैपर और रिड्यूसर क्लास का स्ट्रक्चर कैसे होता है और हम डिस्कस करेंगे आज के ड्राइवर क्लास का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो अभी फ़िलहाल हमने खोला हुआ है जो ऑफिशियल वेब पेज है अपाचे हडूप मै प्रोड्यूस का मैप प्रोड्यूस ट्यूटोरियल उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास तीन सेक्शंस होते हैं राइट right? हर एक मैप प्रोड्यूस प्रोग्राम के एक होता है मैपर क्लास एक होती है रेड्यूसर क्लास और एक और होता है आपका ड्राइवर क्लास ड्राइवर क्लास होता है वो मेन क्लास होती है राइट right? तो so, हम आज डिस्कस करेंगे कि ड्राइवर क्लास में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक नोट पैड फाइल यूज कर रहा हूँ मैं जिसमें सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी हैं ईच एंड एवरी लाइन लेट्स गेट इट स्टार्टेड तो सबसे पहले ड्राइवर क्लास क्या चीज़ है तो द वन ऑफ द मेजर इन द मैप प्रोड्यूस जॉब इज अ ड्राइवर क्लास इट्स रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग अप द मैप प्रोड्यूस जॉब फॉर अ टू रन इन हडूप मतलब हमने जो जॉब सबमिट करनी है इन द फॉर्म ऑफ जार फाइल टू द हडूब ठीक है तो उस जॉब को सेटअप सेटअप करने के लिए हमें ड्राइवर क्लास की जरूरत पड़ती है और इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग ऑल द कन्फिगरेशन राइट फॉर योर मैपर क्लास एंड रिड्यूसर क्लास सो वी स्पेसिफाई द नेम ऑफ मैपर एंड रिड्यूसर क्लासेज अलॉन्ग विद द डेटा टाइप्स एंड देयर रिस्पेक्टिव जॉब नेम्स मतलब उसका क्या जॉब हम जॉब का क्या नाम रखना है मैपर क्लास का क्या नाम है रिड्यूसर क्लास का क्या नाम है रिट कंबाइनर क्लास का क्या नाम है क्या कौन सी डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हो सब कुछ हम ड्राइवर क्लास में डिफाइन करते हैं ठीक है तो इस वन ऑफ द इंटीग्रल कॉम्पोनेंट ऑफ द मैप रिड्यूस प्रोग्राम हम हम डिस्कस करते हैं जो जो भी जो कि हमने आपको मैंने अभी दिखाया कि जो जीए वाला कॉम्पोनेंट है इसको इसका मतलब क्या है हर एक लाइन ऑफ कोड का क्या क्या रिस्पॉसिबिलिटी uh, है क्या सिग्निफिकेंस है हम डिस्कस करते हैं अभी तो जैसे मैंने कहा कि जो मेन क्लास होती है वो ड्राइवर क्लास कहलाती है तो उससे सबसे पहले हमारे पास है कंफ्रिकेशन क्लास ऑब्जेक्ट अब वट इज द दंफ्रगेशन क्लास ऑब्जेक्ट डू राइट जैसे कि आपको सबको आप सभी जानते हैं जब हमने मैप कोडूब को इंस्टॉल को करा था हमने कई सारी कंफ्रिगेशन फाइल्स को कन्फिगर करा था विद द लाइक्स ऑफ कोर साइड एक्स एम एल एस डी एफ एस साइट एक्स एम एल ऐसे राइट right? तो कन्फिग्रेशन क्लास ऑब्जेक्ट कंटेन ऑल द हडूप सेटिंग्स नेसेसरी टू लॉन्च योर एप्लीकेशन ओके तो इट कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट सेटिंग जो भी हमारे हमारे लिए चाहिए जो भी हमारी प्री रिक्वेस्ट है हडूप को चलाने के लिए एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए सारा कुछ ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें होता है राइट सो इट इज इन अ की वैल्यू फॉर्मेट इट्स रीड फॉर्म एक्सएमएल फाइल जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब हमने हडूप इंस्टॉल करा था हमारे, हमारे पास हमने कई सारी कंफ्यूशन फाइल्स को कॉन्फ़िगर करा था जो कि एक्सएमएल फॉर्मेट में थी जिसमें की वैल्यू से डेटा होता है राइट right? तो वो उस उस चीज़ को रीड करता है राइट इट रीड्स फ्रॉम द एक्सवेल फाइल फ्रॉम द ई टी सी हडूब क्योंकि हमारी जो लोकेशन बाई डिफॉल्ट लोकेशन होती है वो ई टी सी फोल्डर होता है जो कि हडूब के अंदर होता है हडूप के अंदर ई टी सी फोल्डर है फिर हडूप है उसके अंदर हमारे पास कई फाइल्स होती हैं जैसे कि जो कि हमने मैं आपको बता चुका हूँ कोर्स साइट हो गया एस डी एफ एस साइट हो गया इट हो गया तो सभी एक्सएमएल फाइल्स है तो उसमें से जो डेटा रीड करेगा वो ये कंफ्रगेशन क्लास ऑब्जेक्ट रीड करेगा ठीक है यू कैन ऑल्सो यूज द देशन टू चेंज द देशन पैरामीटर्स एज वेल अगर आपने कुछ कस्टमाइजेशन करनी है सब कुछ आप इसके थ्रू करवा सकते हो उसके बाद जो हमारे पास है वो है जॉब क्लास ओके सो जॉब क्लास हेल्प अस इन यूजर टू कंफिगर द जॉब सबमिटेड कंट्रोल एग्जीक्यूशन एंड कंक्यूरिंग द स्टेट मतलब कि इसकी हेल्प से हम अब एक तरह का आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर नाम रखा है वर्ड काउंट ठीक है तो इट इट हेल्प आस दिस जॉब क्लास इट हेल्प आस इन यूजर टू कन्फिगर द जॉब जॉब को जॉब को कन्फिगर करने के लिए उसके पैरामीटर्स डिफाइन करने के लिए राइट जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं कि नीचे हमने सारे पैरामीटर डिफाइन कर हैं विद हेल्प ऑफ जॉब क्लास ऑब्जेक्ट तो सबमिटेड कंट्रोल इज एग्जीक्यूशन एंड क्यूरी द स्टेट जो भी आपको जॉब की रिलेटेड आपने इसको सेट करनी है सबमिट करनी है जॉब को उसको कंट्रोल करना है वो सभी आप जॉब क्लास के हेल्प से कर सकते हो और इसकी सबसे पहले हमने यहाँ पर डिफाइन करा है कि मेन क्लास हमारा क्या है ये सारे जॉब स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं सबसे पहले हमारा पैरामीटर है सेट जार बाय क्लास सेट जार बाय क्लास का मतलब जो हमारी मेन क्लास है उसका नाम क्या है वो है वर्ड काउंट डॉट क्लास मतलब जो मेरी ड्राइवर क्लास है उसका नाम है वर्ड काउंट ऐसे ही कुछ और पैरामीटर्स हम सेट कर सकते हैं इस आ, इस ड्राइवर क्लास में सबसे पहले हमारा सेकंड पैरामीटर है वो सेट मैपर क्लास मतलब हमारी मैपर क्लास का क्या नाम है हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करा टोकनाइजर मैपर ऐसे ही सेट कंबाइनर क्लास हमारे कम्बाइंडर क्लास का क्या नाम है वो है इंट सम रिड्यूसर ऐसे ही सेट रिड्यूसर क्लास रिड्यूसर क्लास का क्या नाम है वो है इंट सम रिड्यूसर मतलब आप देख सकते हो कि जितने भी चीज़ें हम मैप रिड्यूस में कर रहे हैं उसको डिफाइन कहाँ पर करेंगे हम ड्राइवर क्लास में ठीक है ऐसे ही आउटपुट की मतलब हम जो हमारी आउटपुट की होगी जो रिड्यूसर आपको एमिट करेगा उसका उसकी क्या टाइप है क्या राइटेबल है वो टेक्स्ट राइटेबल में है ऐसे ही सेट आउटपुट वैल्यू क्लास वो कौन सी टाइप में है वो इंटराइटेबल में है राइट और उसके बाद हमने जो दो नेक्स्ट जो लाइंस है इसमें हमने क्या डिफाइन करा है कि जो हमारा इनपुट पाथ और आउटपुट पाथ क्या है क्योंकि जब हम जॉब को सबमिट करते हैं विद द कमांड हडूब स्पेस जार स्पेस जार फाइल लोकेशन स्पेस इनपुट फोल्डर लोकेशन स्पेस आउटपुट फोल्डर लोकेशन सबसे पहले हम पहला आर्गूमेंट जो होता है वो होता है इनपुट फोल्डर लोकेशन सो ये डिफाइन करता है हमारा इनपुट फोल्डर लोकेशन कि हमारा इनपुट फोल्डर Uh, क्योंकि हम हम ऑब्वियसली हम जो कमांड लिखेंगे वो कमांड लाइन पे लिखेंगे राइट right? तो उसको उसको पता होना चाहिए इस ड्राइवर uh, क्लास को कि जो हम यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारे पहला आर्गूमेंट है वो इनपुट uh, फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे ही हमारा जो सेकंड आर्गूमेंट है इंडेक्स वन वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सेकंड आर्ग्यूमेंट जो कि हमारा है आउटपुट फोल्डर ठीक है तो इसमें से हम यहाँ पर हम इनपुट uh, और आउटपुट पाथ जो कि फाइल सिस्टम पाथ है एस का पाथ है उसको हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आग जीरो एंड आग वन रिस्पेक्टिवली और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं वी सबमिट द जॉब पोल फॉर द प्रोग्रेस अंटिल द जॉब इज कंप्लीट जब तक जॉब कम्प्लीट नहीं होती वी जस्ट वेट फॉर कंप्लीस राइट तो ये हमारा जो ये सब कुछ है सारा हम ड्राइवर क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो इट्स अ इंटीग्रल कॉम्पोनेंट एंड इज अम्पॉर्टेंट थर्ड पार्ट ऑफ योर मैप प्रोड्यूस प्रोग्राम तो एक चीज़ तो एक चीज मैं और आई वॉन्ट टू एड टू इट कि जो ड्राइवर क्लास है इट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल दी मैप प्रोड्यूस प्रोग्राम्स द मैप एंड रिड्यूस लॉजिक कीप ऑन चेंजिंग लेकिन जो हमारा ड्राइवर क्लास है उसका जो कंटेंट है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है यहाँ पर सिर्फ हमने क्या करना है चेंज क्या करना है मैपर क्लास का नाम रेड्यूसर क्लास का नाम ड्राइवर मेन क्लास का नाम हमारी आउटपुट की आउटपुट वैल्यू बट द टेम्पलेट और दी बॉयलर प्लेट और द स्ट्रक्चर रिमेन ऑल सेम फॉर ऑल दी मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स ठीक है आई होप कि आपको इस शॉर्ट शॉर्टल वीडियो से समझ आया होगा कि ड्राइवर क्लास का क्या सिग्निफिकेंस है और इसमें इस से इसमें हमें क्या information, क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्या जानकारी मिलती है राइट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई आल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग आई सी यू नेक्स्ट वीडियो